हर मौसम का मजा ले रहा है, और ले भी क्यों ना, क्योंकि इतना अच्छा मौसम, बारिश हुई है यार, मतलब कमाल है। आज जब मैं उठा ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मौसम है बाहर, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश अभी भी हो रही है शायद, क्योंकि नीचे लोग ना अम्ब्रेला यानी छाता लेके जा रहे हैं। सच में यार बहुत अच्छा मौसम है, और टक्कू को भी शायद मजा आ रहा है ना। टक्कू मजा आ रहा है ना, तभी खिड़की में देख रहा था ना अभी। नहीं, ये क्या है कि कैमरा कॉन्शियस है, मैं कैमरा निकालता हूँ और ये हट जाता है, जो भी कर रहा होता है वो करना छोड़ देता है, और टक्कू पूरा घर फैला देता है जब मैं सो रहा होता हूँ तो, क्योंकि इसकी जल्दी उठने की आदत है और मेरी एग्जैक्ट 10 बजे उठने की आदत है। क्योंकि एग्जैक्ट 10 बजे पता है क्या होता है, एग्जैक्ट 10 बजे ये आता है मेरे बेड में, मतलब ऊपर नहीं चढ़ता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है और उ उ उ उ उ उ ऐसा करने लगता है, ताकि ये मैं समझ जाऊं कि अब मेरे खाना खाने का, इसके खाना खाने का टाइम हो गया। तो मैं उठता हूँ और इसे खाना दे देता हूँ तो ये खा लेता है, लेकिन जब तक के लिए पूरे सामने वाले रूम में ये तबाही मचा देता है। तबाही नहीं मचाता है, बस अपने थोड़े से खिलौने फैला देता है और कुछ नहीं, है ना टक्कू? उ उ उ उ उ उ उ ऐसा होता है। इतने ध्यान से देखता है ना। आज मैं आप लोगों को दरअसल दिखाने वाला हूँ कि टक्कू की कौन सी ऐसी हैबिट है जो बहुत अच्छी हैबिट है और हर इंसान को अपने डॉगी को सिखाना चाहिए। ये सिर्फ 4 महीने का है और किस किस लेवल पे ट्रेंड है आज मैं खुद देखूंगा। इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बाहर देखने में। अरे इसको जैसे ही पता चला मैंने कैमरा निकाला, वो हट गया। मेरा बच्चा कैमरे से क्यों इतना डरता है टक्कू? क्यों डरता है कैमरे से इतना? बैठ गया, क्यों डरता है बाबू कैमरे से? आ जा टक्कू, 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 आ गया मेरा बच्चा, आ गया, आ गया मेरा बदमाश। इसके पता है ये जो रस्सी पड़ी हुई है, ये जो बैंड पड़ा हुआ है, ये जो है, ये चीज है, ये सब इसे खिलौने हैं। ये देखो, ये सब चीजों से खेलता है। इसको बाहर के टॉयज से ज्यादा मतलब नहीं है, इसको ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट है। और ऐसा खेल दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे, अरे तो हाथ तो निकालना थे टक्कू। हाँ खा ले उसको, मैं ये पकड़ लूंगा, एक तरफ से, एक तरफ से ये पकड़ेगा और इसको ऐसा खींचते रहेगा। ये सा खेल है, ये देखो, ये ऐसा खेल है टक्कू का, ऐसा खेल है। अभी मेरे को घर ठीक करना है जो तूने गंदा कर दिया है टक्कू सुबह से। आज तेरी हरकतें गुड बॉय वाली हरकतें दिखाएंगे ना बाबू सबको कैमरे में, है ना टक्कू? हाँ, फेंक दिया। कम हियर टक्कू, कम, कम हियर, कम हियर, सिट, गुड बॉय टक्कू, कम, सिट, गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे से अभी कम एंड सिट कमांड आता है। नो 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 बैड बॉय, कम, टक्कू, कम बाबू, कम, सिट, गुड बॉय। तो अभी ये चीज ये पूरा सीख चुका है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाई डाउन करवाने की। तो इसको आज हम नया एक सिखाएंगे कमांड जिसका नाम होगा लाई। जो अभी ये अभी जिस तरीके से बैठा है वो होता है डाउन, या फिर लाई कह सकते हैं उसे हम। तो ये वाला हम लोग करने की कोशिश करते हैं आज। टक्कू, कम, 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 सिट, लाई डाउन, लाई, 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 सिट, 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 टक्कू, लाई डाउन, डाउन टक्कू, डाउन, डाउन, डाउन टक्कू, डाउन, नो, नो, सिट, सिट टक्कू, सिट। कहते हैं कि मैंने इसको खाने को मना किया हूं, इसकी दही फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये नहीं खा रहा है। जीप, नो, नो, बेइज्जती, बेइज्जती। बहुत देर तक रुका था,
बहुत देर रुका था, मैंने कोशिश किया लेकिन काफी देर तक रुका था। मैंने लाइट्स ऑन किया, इसका आधा दही निकाला, इतनी देर ये बैठे रहा जीप चटका के। लेकिन जब ये कैमरे को देखता है ना, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, किस बात से इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। कैमरा चालू नहीं था तो आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में ना बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप। और जब तक मैं इसको नहीं बोलता ना टक्को गुड बॉय ओके, ये खाता नहीं। अगर आपको इस चीज का नमूना देखना है ना, मैं अभी दिखाता हूं दूसरी ट्रिक से। वो एक्चुअली क्या, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और ये कैमरे से थोड़ा घबरा गया था इसलिए ये सुना नहीं। अभी देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी इसको खत्म कर लें दो, शायद इसको अभी भूख लगी है तो मैं दूसरा एक और पैकेट देता हूँ इसको। ये एक्चुअली फुल पैकेट नहीं था, ये आधा पैकेट ही था, इसको दूसरा एक और पैकेट दे देता हूँ मैं। दरअसल इसका सीन क्या है कि एक मक्खी को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है और जब उसको ये दिख रही है उसको देख के पागल हो जा रहा है। तो अभी मैंने कैमरा चालू किया हूँ तो अभी इसको नहीं दिखेगी, मुझे पता है ना, अब नहीं दिखेगी इसको मक्खी। गाइस जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारे हीरो का सोने का टाइम हो गया है और अभी मैंने उसको उड़ा दिया हूँ। और कुछ बात है, कुछ है ऐसा जो मैं आपसे सुबह डिस्कस करूँगा। और अभी मेरे सोने का भी टाइम हो गया है तो अभी हम लोग सो जाते हैं। और आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, अच्छा दिन नहीं था। क्या सीन था, क्यों अच्छा नहीं था, इसके बारे में सुबह ही डिस्कस करूँगा। क्योंकि कभी भी कोई भी भारी चीज मन में लेकर नहीं सोनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो नेक्स्ट डे होता है वो पूरा दिन खराब हो जाता है अगर आपने मन में कुछ भी खटास लेके सोए तो। और अगर मन में कुछ अच्छा रख के या फिर अच्छी बातें करके सोए तो वो अगला दिन आपका बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे भी यही लग रहा है और ये वापस उठ गया है। तो खैर इससे जुड़ी हुई कुछ बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग अभी गुड नाइट करते हैं, तो गुड नाइट बोल दे सबको, सुबह मिलेंगे फिर से। चलो अभी देखना, अभी मेरा हाथ नॉर्मल है, इसका पैर भी नॉर्मल है। और जैसे ही मेरा हाथ यहाँ पे हिलना शुरू किया इसका पैर भी हिलना शुरू कर दिया, जैसे कि ऑटोमेटिक कुछ लगा हो, बैटरी या फिर चाबी। अभी मैं रुकूंगा फिर ये भी रुक जाएगा, फिर मैं शुरू होऊंगा और ये भी, इसका भी पैर शुरू हो रहा है। धीरे 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 शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो गया। अभी तो बहुत जोर जोर से कर रहा था, अभी रुक गया, अभी नहीं कर रहा है। देखो फिर से एक डेमो दिखा दे सबको, कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, एक बार डेमो 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 यस 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 एक और डेमो, एक और डेमो, एक और डेमो। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है, कौन सा जादू है मेरे टक्कू। एक्चुअली सुबह हो चुकी है, नई सुबह। और जैसा अभी आपने देखने वाला सीन, त्यारा सीन सबसे ज्यादा क्यूट लगता है मुझे, जो भी इसकी हरकत है। तो खैर मैं जो बोला था वो इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि कल पूरा दिन भर, पूरी शाम भर मैं रात तक वेट करते रहा कि ये नॉर्मल हो। लेकिन पूरे टाइम इसका जो मूड था वो बहुत ज्यादा डाउन था और एकदम शांत बैठा हुआ है, शांत सो रहा है, लेटा है, सो भी नहीं रहा है तो लेटे लेटे बस देख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था सो रहा है, पिछले एक घंटे से नॉनस्टॉप कहीं देखा जा रहा था। मतलब कल ये पूरा उदास था और इसको देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इसको अंदर से प्रॉब्लम है जो ये बोल नहीं पा रहा है। तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि इसको कुछ चीज ट्रीट खिलाऊं, समझाऊं। मैंने एक दो चीज किया था तो आपने देखे होंगे, ये उनको भी नहीं सुना। तो पता नहीं इसको क्या हुआ था कल सुबह और अभी भी पता नहीं इसको क्या हुआ है। मैं इसका खाना दिखाता हूँ आप लोगों को, दिया था इस केस में, ठीक है। तो इसने अपने खाने को भी पूरा नहीं खाया है जबकि इसको ये पसंद है। तो ये मतलब बहुत कम बार ऐसा करता है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ इसको कि थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, भीग जाएगा और फिर शायद ये खा ले, क्योंकि फिर इसका थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट में शायद मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव आता है। अभी जब से उठा है तब से ये थोड़ा सा नॉर्मल है और नॉर्मल बिहेव कर रहा है, अभी आपने देखे। और अभी घूम भी रहा है इधर उधर, इधर उधर घूम भी रहा है। तो
अभी बस इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करूंगा कि सॉरी नहीं दिखा पाया। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी सी अंदर से कल तबीयत खराब थी, जो कि होता है मौसम चेंज होने की वजह से। मैंने कल सुबह आपको दिखाया था कि मौसम ऐसा है वहां तो एकदम फॉग है, कोहरा है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो मतलब एकदम बारिश वाला मौसम है। इसका मौसम सच में बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा है। बाहर बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और आज मैं खाने वाला हूँ टोस्ट। टोस्ट का भी एक अलग ही मजा है। अभी ऊपर चलते, वो रो रहा होगा फटाफट। बारिश हो रही है, मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे साथ तो प्रॉब्लम होती है, तो इनके साथ क्यों ना हो, इनके साथ भी होती ही है। ये तो और थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि अगर इसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं इसको इसकी क्रोसिन खिला दूंगा, तो शायद उससे ये अच्छा फील करने लगे। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि ब्लडी टैक्स में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया था। ब्लडी टैक्स में एक रिडल वाला वीडियो डाला था, एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, तो मैंने देखा कि कोई खराब कमेंट नहीं आए हैं, सबने आंसर्स किए हैं, सबने एंजॉय किया उस वीडियो को। आपने नहीं देखे हो तो जाके देखो, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ब्लडी टैक्स और ब्लडी सत्य दोनों में थोड़ा हॉरर कंटेंट जा रहा है तो लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बोर भी हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा एक बार ब्लडी टैक्स में अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हर तरह के वीडियो, हर तरह के मतलब वो एक होता है ना कि व्लॉगिंग चैनल ना हो लेकिन उसमें हर तरह के वीडियो आए, तो वो मैं सोच रहा हूँ ब्लडी टैक्स के लिए एक्सपेरिमेंट करने का। अगले जो 7-8 वीडियो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, तो देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए आपकी राय कि क्या मैं ब्लडी टैक्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं, बदलाव लाऊं, क्योंकि देखो बदलाव बहुत जरूरी है इंसान की दुनिया में, या फिर कहीं पर भी बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही एक एक चीज होती है तो लोग थोड़े से बोर होते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये चीज करना चाहिए कि नहीं, कि हर तरह के वीडियो ब्लडी टैक्स में डालना चाहिए। और बस कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया है, ये थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ज्यादा वो नहीं कर पाया हूँ, और मेरा मन भी नहीं किया, अभी मेरा साथ नहीं दिया कि मैं कुछ भी इस वीडियो में ऐसा मस्ती करूं या फिर कुछ इसको मस्ती करवाऊं, क्योंकि ये खुद ही अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मैंने भी छोड़ दिया यार, कि पता नहीं उसको क्या हुआ होगा, क्या लग रहा होगा। बस की प्रे करो गाइस कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, अगर कुछ भी इसको अंदरूनी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो ठीक हो जाए। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कल मिलना जरूर, कल अच्छा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।